सौरभ तेरे को पता है अपने चैनल पे सबसे ज्यादा व्यू कौन से वीडियो को है? बेलजिला की डेथ विश कॉफी को। मतलब मुझे भी एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं सोच रहा था डालू कि नहीं डालू, बट वो वीडियो इतना अच्छा था, उस पर अच्छा खासा यूजर का एंगेजमेंट आया। और इसकी बात ही कुछ अलग थी यार, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी ये लोग क्लेम करते हैं, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी है। बट उन्होंने अभी रिसेंटली है ना इसकी ब्रांडिंग को चेंज कर दिया है, अभी उसको डेथ विश की जगह पे डार्क विश कर दिया है। प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, बट मे बी बिकॉज डेथ थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव वर्ड है इसलिए लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे होंगे, इसलिए उनको रीब्रांडिंग करनी पड़ी। सो डेथ विश का डार्क विश कर दिया लोगों ने। एक्चुअली रिसेंटली लोगों ने कमेंट में पूछा था कि भाई ये कॉफी उन्हें उनके वेबसाइट पे मिल नहीं रही है, तो अभी सेम प्रोडक्ट उनको डार्क विश के नाम पे मिलेगा। और इनका एक और प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो सोचा क्यों नहीं इस कॉफी को भी ट्राई किया जाए और कंपेयर किया जाए कि ये कॉफी आखिर डेथ विश से डार्क विश से कैसी है कंपैरिजन में। सो अगर पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत सटल तरीके की पैकेजिंग दिया हुआ है, ये भी 100% अरेबिका कॉफी है। और देखा जाएगा ना तो इसमें कुछ नॉर्मली जो कॉफी में चिरोकी मिक्स किया जाता था इसमें नहीं किया, इसमें 100% अरेबिका कॉफी बीन्स है। और इसमें मेन डिफरेंस क्या आ रहा है पता है, रोस्टिंग को ये ज्यादा डार्क रोस्ट की जिसकी वजह से कैफीन लेवल थोड़ा इसमें ज्यादा है। और कलर टेक्सचर भी अगर कंपेयर करें ना तो दोनों का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों के कलर टेक्सचर में। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि एक्चुअली कॉफी कितनी डिफरेंस दिखती है। सो इसको फटाफट ओपन करते हैं। सो आई कैन सी वन प्रॉब्लम ओवर हियर जो शायद इनको देखनी चाहिए कि इधर पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऐसा कॉफी लीक हुआ है कि क्या हुआ है मॉइस्चर की वजह से, बिकॉज ये तो सील है मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बट बाहर के साइड में थोड़ा सा वो नॉर्मल जो मॉइस्चर लग जाता है कॉफी को तो वैसे ही हो गई है। सो ये चीज उनको थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। बाकी ये कॉफी अभी भी सील है, अभी जस्ट उसको मैं ओपन कर रहा हूं। एज यू कैन सी नाइस फ्रेग्रेंस इज रियली नाइस, स्मेल करके देखता हूँ। ओके ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा ये लोग ने जो सील है उसमें अभी खुद की ब्रांडिंग करने लग गए। हाँ इसकी एनी टाइम बहुत स्ट्रांग है फ्रेग्रेंस कंपेयर टू दिस, खड़े पे पता चल जाता है। ठीक है सो अगर कलर की बात करें तो टू शो यू द कलर डिफरेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ये कॉफी जो है हमारी वो थोड़ी उसको मॉइस्चर लग चुका है जिसके वजह से ये अगर ऑब्वियसली ज्यादा दिन अगर ओपन करके रखोगे आप कॉफी तो कुछ ऐसी हो जाएगी। बट टू शो द कलर डिफरेंस यू कैन सी कि ये बहुत ज्यादा डार्क है कंपेयर टू दिस, सो दिस इज द मेन डिफरेंस आई कैन सी। और अभी इसका टेस्ट टेस्ट करके देखते हैं, इसको तो रेगुलर बेस पे पी रहा था मैं तो, वरना ज्यादा कॉफी का ओवरडोज हो जाएगा, तो इसलिए खाली अभी इसको ही ट्राई करेंगे हमारे कॉफी के ग्लास में। समझने वालों को समझ गया, कॉफी को हमेशा एयर टाइट करके रखें वरना कुछ ऐसा हालत हो जाता है। पानी गर्म है थैंक गॉड, भी क्लोजअप लेना चाहिए हमें थोड़ा सा पानी। कॉफी की जगह और कुछ वाला फील आ रहा है। ठीक है और हमारे पास है फ्रॉथर हमारे बीनली ब्रांड का, हमने रिसेंटली इसका भी वीडियो डाला अगर आपको देखना रहेगा, मतलब ये कॉफी का भी रिव्यू किया हुआ है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अभी मिक्स करते हैं इसे, अगर मैं इस पे से घुमाते रहूंगा तो और फ्रॉथ तो बनते जाएगा। ओके सो है अच्छा खासा डार्क कलर है ऑब्वियसली बिकॉज हमने मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, फ्रॉथ की लेयर ठीक ठाक है और फ्रेग्रेंस इज गुड आई लाइक इट। और अभी इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा है। बहुत ही ज्यादा माइल्ड है कंपेयर टू दिस, बिकॉज
इसकी आदत पड़ चुकी है ना, तो उसके हिसाब से ये अच्छी खासी माइल्ड कॉफी है, कैसे मीडियम रोस्ट वैसी है। अगर टेस्ट वाइज मुझे डार्क कॉफी पसंद है, सो आई विल गिव दिस 8 out of 10, जबकि इसको 9.5 out of 10, ये तो यार फेवरेट है, दिस इज आई लाइक ओकेश। अगर ये वाली अवेलेबल नहीं होगी तो आई विल गो फॉर दिस, अदरवाइज दिस इज स्टिल द थिंग एनी टाइम, डार्क विश। चीयर्स। तो अगर आपको और किसी कॉफी ब्रांड का रिव्यू कराना रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंकित साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चीयर्स।